अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक छोटे से टिप के बारे में है। यहाँ स्क्रीन पे आप टाइटल देख सकते हैं, पॉइंट लेबल एरो हेड गैप प्रॉब्लम सिविल 3D। तो आप जब भी कोई कोगो पॉइंट लगाते हैं और अगर आप उसका लेबल जो है ड्रैग स्टेक में लगाते हैं, तो यहाँ में बाई डिफॉल्ट जो है यहाँ पे आपको गैप मिलता है लीटर के साथ। तो ये सिविल 3D में इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। और इस लेबल को हम कैसे कंपोज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कोको पॉइंट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे आता है। यहाँ से अगर जब आप इसको लेबल को ड्रैग करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरो इंसर्शन पॉइंट पे आना चाहिए, यहाँ पे कोको पॉइंट है। ये जो कोऑर्डिनेट शो हो रहा है, ठीक है, अगर हमें इसके साथ में जेड वैल्यू चाहिए तो ये लीडर जो है इसको यहाँ पे आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, जबकि ये आता नहीं है। किसी भी पॉइंट के साथ आप देख लें तो बाय डिफॉल्ट ये जो है आप देख सकते हैं कि ये गैप छोड़ के आता है। अगर हम इस लेबल के प्रॉपर्टी में भी जाएं और यहाँ पे अगर हम इसको एडिट करें, यहाँ पे ये जनरल टैब है, लेआउट टैब है, तो लेआउट टैब में जो फीचर हमें मिलते हैं, किसी भी फीचर को हम चेंज करके देखें तो इसमें ये नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर आप अटैचमेंट पॉइंट देखें तो मिडल लेफ्ट है, तो ये सर्च इसके लेबल का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ड्रैग स्टैट है, यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है आप देखें, यहाँ पे एरोहेड साइज है, ओके, विजिबिलिटी है, टाइप है, और यहाँ पे एज कंपोज है, तो ये ऑप्शन हमें नहीं मिलते। अगर हम इसको स्टैक टेस्ट करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो विजिबल हो जाती है। इन ऑप्शन को अगर हम जीरो भी करें, टेक्स्ट टाइप हमें यही चाहिए, इसको अगर हम जहाँ भी करें किसी भी पॉइंट पे आप इसको चेंज करके देख लें, ये जो लेबल है ये एज इट इज ही रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले दो मेथड देखेंगे हम। पहला मेथड जो है हम कोको पॉइंट की प्रॉपर्टी में ही रहते हुए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो लेबल है, ठीक है, इसको हम जो है कंपोज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा स्टाइलिश सा बना लेते हैं। मैं इसको एक्स वाई जेड का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे ये जो है ड्रैग स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट में जो है, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जो लेबल है वो कंपोज करना है। सबसे पहले मुझे लिस्टिंग रिक्वायर्ड है, तो मैं ये जो लेबल है इसको यहाँ पे कट करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो लेबल है हमारा वो लिस्टिंग का है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिस्टिंग की वैल्यू है, और यहाँ पे मैं इसको डेसिमल प्लेसेस चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मिंग की वैल्यू है, जैसे आप नॉर्मिंग वैल्यू को सेट करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मिंग शो हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके डेसिमल प्लेसेस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपना जेड वैल्यू जो है उसको लेना है, तो जेड एल इसके लिए हम पॉइंट एलिवेशन यूज करेंगे, ओके। अभी इसके कलर वगैरह और फॉन्ट वगैरह जो है वो हम सेट कर लेते हैं फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं इसको कोई भी फॉन्ट दे देता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ से इसके जो मैं कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कलर कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर कर दिया, और यहाँ पे ये जो है ये मैं इसको यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके, अप्लाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेबल सारे हमारे जो है वो कंपोज हो गए हैं। अगर आप ये जो लीडर है इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में आपने जाना है, ओके, और यहाँ पे ये जो ड्रैग स्टेट है, यहाँ पे आपका जो है एरो हेड स्टाइल है, और यहाँ पे ये जो है ये कलर है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये कलर दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे भी मैं इसको ये कलर असाइन कर देता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा जो
मेन प्रॉब्लम था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो कैसे सॉल्व होगा। सेम प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पे जनरली ये कंसीडर जो किया जाता है कि ये लेबल का एरर है, जबकि ये पॉइंट स्टाइल का एरर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं इसको सर्कल का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मार्कर जो है वो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें डिस्प्ले में और तो 3D ज्योमेट्री में समरी में, तो यहाँ पे मार्कर जो है लीडर स्टॉप एट मार्कर, ओके, तो हमें नहीं रोकना है, हमें उसके इंसर्शन पॉइंट पे लेके जाना है, तो मैंने इसको नो कर दिया है। अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ये लीडर जो है वो बिल्कुल इसके इंसर्शन पॉइंट पे जा रहा है। तो हम दूसरे किसी का चेक करते हैं कि आया ये वाकई सही हो गया या नहीं हो गया, तो हम इसको ड्रैग करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ट्रैक किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो अभी जो है इसका एक दूसरा मेथड है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि उससे कैसे होता है ये। तो यहाँ एनोटेट टैब में यहाँ पे ऐड लेबल है, ऐड लेबल में यहाँ सबसे लास्ट में एक नोट की ऑप्शन होती है, तो यहाँ नोट पे आपने क्लिक करना है। तो ये जस्ट आपने इसको नोट ही रखना है, जनरल नोट, ओके। मार्कर स्टाइल में मैं इसको यहाँ पे कोई भी मार्कर स्टाइल आप असाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिक ही ले रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक खाली नोट की ऑप्शन का लेबल आ गया, जबकि इसमें लीडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडर ये बिल्कुल परफेक्ट आता आ रहा है इसका। बाकी ये वाला जो लेबल है ये हम कैसे ले सकते हैं इसको, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो इसी नोट के जनरल नोट का जो लेबल है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेम एक्स वाई जेड की ऑप्शन ले लेता हूँ, और यहाँ मैं लेआउट में आता हूँ। यहाँ पे आप कोई नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ नोट में मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं इसको स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ, स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पे आप इसको जो भी डेसिमल प्लेसेस आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको नॉर्दिंग करना है, यहाँ पे आप इसको नॉर्दिंग कर लें, ओके, यहाँ पे आप इसको नॉर्दिंग कर लें, यहाँ पे मैं इसको नॉर्दिंग का वैल्यू से एन से मैं इसको, ओके, यहाँ पे मैंने एन टाइप कर दिया है, ठीक हो गया। अभी आप इसका कलर वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको ये कलर दे देता हूँ, और इसका कलर जो है वाइट ब्लैक ही है, ओके। तो जस्ट इसमें मैंने दो ही लेबल लिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं एक रेफरेंस टेक्स ले लेता हूँ, रेफरेंस टेक्स में हमारे पास फोको पॉइंट है, ओके, और ये हमारी जेड वैल्यू है। यहाँ पे टेक्स में मैं इसको पॉइंट एलिवेशन ले लेता हूँ, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं जेड लिख के पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अभी ये वाली जो जेड वैल्यू है, ठीक है, इसका जो हमने फीचर रखना है वो हमारा टेक्स्ट था जो हमने फर्स्ट किया था, और यहाँ से बॉटम लेफ्ट है, और यहाँ से ये इसका जो है वो टॉप लेफ्ट है, ओके। अभी यहाँ पे जो है ये वाली जो टेक्स्ट है इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी सेटिंग है आप इसको रख सकते हैं। इसका ये जो बॉर्डर है मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक हो गया, ओके। अभी इस लेबल को हम ट्राई करते हैं कि ये लेबल लगता है कि नहीं लगता। यहाँ पे मैं इसको सेम यहाँ पे मैं लगाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और अभी हम इसको जो है वो ट्रैक करके देख लेते हैं आया कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आपने इस लेबल को जस्ट एक दफा सेलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाके आपने इसको ये जो सिलेक्शन का ऑप्शन है इससे आपने फोको पॉइंट क्लिक करके राइट क्लिक या एंटर कर देना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी अभी वैल्यू जो है वो भी इसके साथ आ गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैच करके ऊपर वाले पॉइंट के साथ। तो ये दो मेथड थे इसको करने के। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।